बीसीएन न्यूज की खास मुलाकात में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। और अभी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है युवा सेना के पूर्व विदर्भ सचिव हर्षल काकड़े जी, जिन्होंने हाल ही में ये पद ग्रहण किया है, इनको एक नई जिम्मेदारी मिली है। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं इस पद को जो आपको मिला है उसके लिए। हर्षल जी, आपके बारे में सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे जितने भी दर्शक हैं उन्हें बताएं, मतलब कहीं ना कहीं आपने शून्य से चीज़ें शुरू की है, बहुत सारे स्ट्रगल रहे हैं इस जर्नी में, पूरी जो शुरुआत का आपका दौर था उस बारे उससे लेके और अब तक जो आपने पदभार संभाला है उस तक की सारी चीज़ें आपसे जानना चाहती हूँ। जय महाराष्ट्र। मैं 2001 में शिवसेना पक्ष में प्रवेश किया। मैंने यानी जब मुझे समझ आई तब से ही मैं शिवसेना पक्ष से जुड़ा हूँ। उसके बाद मुझे 2003 में कोषाध्यक्ष दत्तवाड़ी एरिया से कोषाध्यक्ष पद मिला था शाखे का, और तब पांडुरंग जी मतीय जिला प्रमुख थे और सुबुन मोहिते साहब खासदार थे, उनके नेतृत्व में मैंने शिवसेना पक्ष ज्वाइन किया था। उसके बाद 2014 में मुझे जिला प्रमुख पद ने जो मेरे कार्य थे इतने दिनों के उसकी कई दखल लेके माननीय युवा सेना प्रमुख आदित्य जी ठाकरे, इन्होंने मुझे युवा सेना जिला प्रमुख ये पद पर नियुक्त किया। उसी के साथ पार्टी का कार्य देखते हुए जो गांव के लोग थे उन्होंने भी हमारे समाज सेवा की जो भावनाएं को देख के 2015 में वाड़ी नगर परिषद हुई, और वाड़ी नगर परिषद में भी मुझे लोगों ने अच्छे इस पे वोटों से मुझे चुनकर दिया पहली बार, और मैं 2015 में नगर सेवक बना। और उसके बाद कुछ राजकीय घड़ामुड़ी में मुझे 5 साल सभापति पद भी, बांधकाम सभापति पद ये वाड़ी नगर परिषद का मिला। और उसी के साथ साथ गए 7 साल से मैंने जिला प्रमुख के पद को अच्छा न्याय दिया। पूरे जिले में हर तालुका पे हमने फोकस किया, और शिवसेना का जो अभियान है गांव तीते शाखा, वो विजन हमने पूरा किया। हर जगह पे हमने हर तालुके में, हर शहर में, हर छोटे से छोटे गांव में युवा सेना की शाखा एक फलक लगा के उस माध्यम से हमने ओपनिंग किया, और पक्ष की जो संगठना है उसको अच्छी मजबूती दिया। कहीं ना कहीं हर्षल जी, जब हमें कोई नई जिम्मेदारी मिलती है तो उसके साथ नई चुनौतियां है, उसमें भी इजाफा होता है, मतलब ये कहीं ना कहीं आपके लिए नई जिम्मेदारी है। साथ ही इसके ये जैसी आपके पास आई उसके बाद आपकी बहुत सारी जो नई चुनौतियां है वो भी उन्होंने दस्तक दे दी, तो इन नई चुनौतियों को कैसे आप संभालेंगे और क्या योजना आपने बनाई है इन सारी चुनौतियों को पार करने के लिए, मैं चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों को बताएं। अभी फिलहाल ही मुझे 10 दिन हो गए हैं विभागीय पूर्व विदर्भ सचिव युवा सेना, इस पद की जिम्मेदारी पक्ष प्रमुख युवा सेना प्रमुख माननीय आदित्य जी ठाकरे और युवा सेना सचिव श्री वरुण जी सरदेसाई साहब इनके माध्यम से मिली है। शिवसेना की सरकार जब से आई तो माननीय आदित्य जी ठाकरे इन्हें भी पर्यटन और राज्य शिष्टाचार मंत्री पद मिला है, तो साहब के ऊपर में राज्य सरकार की बहुत सी जिम्मेदारी थी और बहुत से इनके शासकीय दौरे भी रहते हैं। तो गए 2 साल से जी वरुण जी सरदेसाई जो युवा सेना सचिव है उन्होंने पूरे संपूर्ण महाराष्ट्र का दौरा निकाला, और उस दौरे में माननीय वरुण जी सरदेसाई ने हर जिले पे पदाधिकारी मुलाकात का एक अभियान लाभा, और उसमें उन्होंने हर जगह पे राज्य में जितने भी जिले हैं हर जिले में उन्होंने उनकी पदाधिकारी मुलाकात का मेड़ावा लिया। उसमें उन्होंने हर जगह से नागपुर में भी आए, उन्होंने नागपुर के भी कार्यक्रम को हमारे बहुत खुश हुए अप्रिशिएट किया। उसके बाद ये जो मुझे पद मिला है ये पद भला मुझे भी पहली बार मिला है और ये पद पहली बार भी किसी को दिया है, मतलब इसके पहले युवा सेना में विभागीय सचिव नाम का कोई पद नहीं। अच्छा, मतलब हाँ, आपके लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, एक्चुअली मेरे साथ और 6 लोगों को भी मिला है, टोटल 7 लोगों को दिया है। ऐसा एक डिवीजन रहता है। अच्छा। उस डिवीजन आदित्य साहब का जो वर्क करने का तरीका है वो बाकी नेताओं से बहुत हटके, उन्होंने जो मतलब एक गवर्नमेंट की पॉलिसी टाइप उन्होंने पद बना के रखे, उसमें विभागीय सचिव एक डिवीजन का पद का ये नया पद निकला, जिसमें जब वरुण जी सरदेसाई ने पूरा महाराष्ट्र का दौरा किया तो अब तक जो था युवा सेना में कोर कमेटी सदस्य रहे या जो भी बड़ी जिम्मेदारी जो हर जगह पे संपर्क के नाते में
विस्तारक बोल के एक पद मिलता है हर जिले को, तो वो सब मुंबई की टीम आती थी और कोर कमेटी सदस्य भी सब मुंबई के रहते थे। और ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि पद मिलने के बाद वरुण जी जो हमारे सचिव साहब है उन्होंने कल शिवसेना भवन में 1 बजे की मीटिंग रखी थी हम सातों विभागीय सचिव की, अच्छा तो उसमें उन्होंने हमको जो मीटिंग में संबोधित किया उसकी मैं जानकारी अब तक दे रहा हूँ। तो उस समय ऐसा हो गया था कि सब मुंबई में आ रहा है, लेकिन जब वरुण जी पूरा महाराष्ट्र घूमे तो उनको तब समझा कि जैसी युवा सेना मुंबई में है और जैसा युवा पदाधिकारी जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ मुंबई में नहीं है तो बाकी भी जो राज्य के क्षेत्र है वहाँ पे भी लोकल कुछ कुछ पदाधिकारी ऐसे हैं जो कोर कमेटी सदस्य बन सकते हैं, चाहे वो राज्य में कोई कोई भी जिला हो, और वहाँ के लोकल पदाधिकारी भी अच्छी बड़ी जिम्मेदारी पक्ष की संभाल सकते हैं। अच्छा तो उस आधार पे उन्होंने एक लोकल आदमी वहाँ का युवा सेना सचिव बन सकता है विभागीय सचिव, उस आधार पे उन्होंने वहाँ के लोकल लोकल लड़कों को ये बड़ी जिम्मेदारी दिया है। उसमें से एक जिम्मेदारी पूर्व विदर्भ की साहब के नेतृत्व में मुझे यहाँ पे संभालनी पड़ रही है। हर्षद जी, कहीं ना कहीं जब भी युवा सेना की बात होती है तो युवाओं के रोजगार या फिर युवाओं से जुड़े जितने भी मसले हैं हाँ उनको कहीं ना कहीं उजागर किया जाता है, उनसे जुड़े जितने भी मसले हैं उन पर चर्चा की जाती है। तो जब आपसे जुड़ा मैं सवाल पूछती हूँ कि युवाओं की मसलों को सुलझाने के लिए अब हाँ तक आपकी ओर से क्या क्या प्रयास किए गए और आने वाले समय में क्या क्या प्रयास किए जाएंगे, मैं चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखो, इस देश की अगर प्रगति अपन चाहते हैं या राज्य की, तो सबसे पहले हमें युवा को ही मजबूत करना पड़ता है। और शिवसेना का तो वैसा भी स्लोगन है कि 80% समाज कारण और 20% राज कारण, और इस समाज कारण में एक पार्ट युवाओं का भी आता है। तो जैसे युवाओं का है तो जैसा मेरा जो क्षेत्र में अब तक मैं जिला प्रमुख बोल के मैंने युवा सैनिक का जिला प्रमुख के पद पे काम किया हूँ, तो मेरा पूरा जो एरिया ग्रामीण क्षेत्र ये MIDC एरिया है, तो जहाँ जहाँ पे मुझे अपने यहाँ के क्षेत्र के युवाओं को रोजगार देना पड़ा तो वहाँ वहाँ की फैक्ट्रियाँ कंपनियाँ जहाँ जहाँ पे थी वहाँ वहाँ मैंने अच्छे निवेदन के माध्यम से या अपना जो भी पॉलिटिकल प्रभाव है वो माध्यम से मैंने अपने युवाओं को अच्छे से अच्छा रोजगार मिला के दिया। और अच्छे से अच्छे जितने जैसे ट्रांसपोर्ट हब है, बड़ी बड़ी लॉजिस्टिक है, वहाँ तक मैंने जो तरुण है चाहे वो युवा लड़का रहे या लड़की रहे उन सबको मैंने अपने माध्यम से कहीं ना कहीं एक रोजगार के माध्यम से न्याय दिया हूँ। उसके बाद जो हमारे युवा बस स्टॉप पे खड़े रहते तो उनको धूप में खड़े रहते तो वहाँ पे मैंने नेशनल हाईवे वालों को निवेदन दे दे के बस स्टॉप्स बनवाए कि उनको कहीं पे छाव मिले खड़े रहने के लिए, एक एक घंटा उनको बस के लिए ग्रामीण के लड़कों को खड़े रहना पड़ता। उसके बाद बहुत सी फीस माफ़ी का ये है, कोई कोई स्कूल में अनऑथोराइज तरीके से उनका मतलब फीस में शोषण किया जाता है, तो वो तक कहीं पे रुके उसके लिए भी हमने अच्छे अच्छे आंदोलन किए युवाओं के लिए। और युवा सेने का विजन ही है, और आदित्य साहब ने हमें आदेश ही देखे कि युवाओं के लिए तुम जितना अच्छा कार्य कर सकते हो उतना करो, हम आपके पीछे है, ये माध्यम से हमारा युवाओं को अच्छा योगदान रह चुका है। और आगे में भी भविष्य में युवा सेना ही एक ऐसा पक्ष है महाराष्ट्र में मैं बोलूँगा जो युवाओं के हित के लिए और युवाओं के भविष्य के लिए कभी भी सक्रिय रहेगा। हर्षद जी, जिस तरीके से युवाओं की बात अभी छिड़ी है, कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि आने वाले समय में इलेक्शंस भी आ रहे हैं, और जब युवाओं को हम कहते हैं तो देश के विकास का पहिया अगर चलता है तो वो युवाओं की वजह से चलता है। तो कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा है कि इलेक्शन में जब बात आती है तो कहीं ना कहीं युवाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है या फिर उनकी रुचि कहीं ना कहीं इलेक्शन के कम या फिर पॉलिटिक्स के थ्रू कमी होती है। तो युवा सेना किस तरीके से युवाओं को पॉलिटिक्स में उनका इंटरेस्ट बढ़ाने का काम करेगी या फिर किस तरीके से उनकी कार्यप्रणाली रहेगी? कार्यप्रणाली देखो, जैसे बाकी पार्टियों का हमने आज तक देखा है कि चुनाव आए तो युवाओं को वो प्राधान्य देते हैं, पर उनका प्राधान्य कहाँ तक रहता है प्रोत्साहन, ये रैली बैनर थोड़ा सा वातावरण तैयार करना। लेकिन शिवसेना ऐसी पार्टी नहीं, शिवसेना पार्टी ही युवाओं की है ये आपको भी पता है, और शिवसेना में कभी भी सबसे पहले प्राधान्य मिलता है तो युवाओं को ही मिलता है। अभी जैसे बात रही चुनाव की, तो चुनाव में अभी ही वरुण जी ने कल के मीटिंग में बोला है कि पदाधिकारी हर पदाधिकारी को अपने अपने यहाँ की चुनाव की जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। अगर वो इलेक्टेड पॉलिटिक्स में अगर इंटरेस्टेड रखता होगा तो ही उसने युवा सेना में पोस्ट लेना चाहिए, और
और उसने पक्ष को बढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि कोई पार्टी का बड़ा नेता आ रहा है तो उसके लिए अपन वहाँ पे 1,500 लड़के खड़े कर दो, नारेबाजी करो, वातावरण तैयार करो और उसके बाद अपने अपने घर जाओ। अगर नेता आते समय नेता का स्वागत वहाँ पे अगर 500 लोगों की जगह पे अगर 10 नगर सेवकों ने किया तो उनके लिए और अभिमान की बात रहेंगी। तो इसलिए अभी इलेक्टेड पॉलिटिक्स को लेके युवा सेना ने सक्रिय रहना चाहिए और सक्रिय रहेंगी, और इसके बाद जो भी हमारा विजन रहेगा किसी को पोस्ट देना है कुछ तो हम उसको पहले वहाँ के लोकल जो उसका क्षेत्र है वहाँ के चुनाव की जिम्मेदारी देंगे और उसके बाद ही उसको हम पार्टी के अथॉरिटी में लेंगे, अच्छा ऐसा हमें ऊपर से माननीय सचिव साहब ने आदेश किया है। ओके हर्षल जी, कहीं ना कहीं कोरोना का काल हमने सभी ने देखा है और इस बीच जब हमने सुर्खियां बहुत बार पड़ी तो आपके नाम का जिक्र भी था कहीं ना कहीं। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरीके से कोरोना काल में आपने जो भी काम किया वो किस तरीके का था और क्या का योजना है आपने जितने भी ज़रूरतमंद लोगों है उनके लिए की है। कोरोना के काल में सबसे ज़्यादा अगर लोगों को उम्मीद थी तो युवाओं से थी, क्योंकि कोरोना का जो वायरस है वो सबसे पहले अगर किसी पे प्रभावी होता होगा तो वो बुज़ुर्ग लोगों पे ही होता था। तो ऐसे समय बहुत से पार्टी के जो श्रेष्ठ नेता है मतलब ज्येष्ठ पदाधिकारी है उन्होंने भी अपनी केयर करते हुए ज़्यादा ये नहीं, लेकिन शिवसेना में माननीय सचिव वरुण जी सरदेसाई इनके नेतृत्व में महाराष्ट्र के प्रत्येक युवा सेना के पदाधिकारी ने एकदम कोई बात की डर ना रखते हुए, कोई बात की चिंता ना करते हुए अपने घर से कफन बांध के भी बोलेंगे तो भी चलेगा, युवा जनता की सेवा के लिए युवा सेना 2400 घंटे सक्रिय रही। उसका उदाहरण हमारे माध्यम से भी मैं आपको दे सकता हूँ। मैंने 40 बेड का माननीय जिलाधिकारी साहब इनके परमिशन से फुल ऑथराइज कोविड रुग्णालय माँ साहेब मीनाताई ठाकरे इनके नाम से चालू किया था वाड़ी में, और मैंने 2 महीने जब दूसरी लाट आई थी तब शुरू किया। 2 से 3 महीने में मैंने कई गरीब इसको, क्योंकि पेशेंट जो आता है उसके ऊपर ये नहीं लिखा रहता कि वो युवा है, जो भी पेशेंट है हमने उसको स्वीकारा और उसका अपने तरफ से मुफ्त में इलाज किया। जहाँ पे वो कार्ड वगैरह जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल में 8 लाख 10 लाख ऐसा बिल आता था पेशेंट का, तो हमने हमारे तरफ से जितना कम हो सकता हमने खुशी खुशी उसको उस इसको पेशेंट को हमने अपनी तरफ से सुविधा दी। और उसके लिए यही नहीं, महाराष्ट्र में युवा सेना का आप कभी भी आप ये कर सकते हो मतलब इंक्वायरी, सबसे बड़ा रक्तदान शिविर सिर्फ मेरे जिले में नहीं तो अखे महाराष्ट्र में सचिव साहब के आदेश से सबसे बड़े पैमाने में युवा सेना ने किया है। अच्छा और उस समय ब्लड डोनेशन का बहुत ज़्यादा महत्व था, प्लाज्मा डोनेशन का बहुत ज़्यादा महत्व था कोरोना के काल में, तो इसमें भी युवा सेना ये अव्वल नंबर पे रही है महाराष्ट्र में। जिस तरीके से हर्षल जी हमने बात की कि आपको एक नई जिम्मेदारी मिली है, जब जो नई जिम्मेदारी मिली तो जो स्ट्रगल स्टोरी रहती है हमारी उसमें बहुत लोग ऐसे रहते हैं कि अपोज करते हैं, पर बहुत कम ऐसे लोग रहते हैं जो आपको समय समय पे आपका आप पे विश्वास जताते हैं। तो इन लोगों में से कौन है चुनिंदा लोग जिनका आप जिक्र करना चाहेंगे, मतलब कौन है ऐसे जो हमेशा आपके साथ रहे, जिन्होंने हमेशा आप पे विश्वास जताया? हमेशा साथ में रहे, सबसे पहले तो मैं उसमें हमारे युवा सेना प्रमुख माननीय आदित्य जी ठाकरे इनका नाम लूँगा, क्योंकि साहब के ही माध्यम से और साहब के नेतृत्व में मुझे जिला प्रमुख ये पद मिला है, उसके बाद आज विभागीय सचिव ये पद भी माननीय आदित्य जी ठाकरे इनके ही माध्यम से और इनके ही नेतृत्व में मिला है। और उसके बाद अगर मैं सबसे ज़्यादा अगर किसी को ये दूंगा महत्व तो हमारे युवा सेना सचिव श्री वरुण जी सरदेसाई इनको देना चाहूँगा। उसके बाद ये तो राज्य के इसमें हो गए, उसके बाद जो लोकल पॉलिटिक्स में है तो उसमें मैं हमारे जो रामटेक लोकसभा के जो सांसद है माननीय कृपाल जी तुमाने इनका मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा मतलब बैकिंग मिला है, और माननीय तुमाने साहब के इससे बढ़ावे से जो या फिर उनके प्रोत्साहन से भी आज मैं इस पद पे हूँ, इसमें भी कोई संदेह नहीं।
तो ये लोग कहीं ना कहीं थे जिन्होंने आप पे हमेशा विश्वास जी जताया। जिस तरीके से आपने आदित्य जी का जिक्र किया, आदित्य जी का एक अभियान है माझी वसुंधरा अभियान, कहीं ना कहीं पर्यावरण से जुड़ा है, और इस पर्यावरण से जुड़े अभियान माझी वसुंधरा के लिए युवा सेना की ओर से किस तरीके की मतलब मदद पहुंचाई गई या फिर किस तरीके से कार्य किया गया, इस बारे में जानना चाहती हूँ। जब से माननीय आदित्य जी ठाकरे ये मिनिस्टर बने, तब से युवा सेना ने हर जिले में, हर तालुके में, जिस तरह से युवा सेना का एक अभियान है गांव तिथे शाखा और शाखा तिथे शिवसेनी, उसी तरीके से पर्यावरण को लेके और माननीय आदित्य जी ठाकरे हमारे युवा सेना प्रमुख इस विभाग के मंत्री रहने की जिम्मेदारी पे हमने हर जगह पे वृक्ष लागवड़ी का कार्यक्रम, झाड़े जगवा, झाड़े वाचवा, ये सब हमने हर तालुके में उस शाखे की तरह की हमने जहाँ जहाँ शाखा किए, हमारा जहाँ जहाँ कोई पक्ष श्रेष्ठ का अगर कोई जन्मदिन आया या कोई हमारा बड़ा समय है तो हमने वृक्षारोपण के माध्यम से हमने भी ये अभियान को अच्छा प्रतिसाद किया है और आगे भी करते रहेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे हर्षल जी, जितने भी युवा इस बीसीएन न्यूज़ पे इस खास मुलाकात को देख रहे हैं, उन सभी युवाओं को या फिर तमाम जनता को आप बीसीएन के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो मेरे सभी युवा बंधुओं से विनती करूँगा, अगर आपको राजनीति पसंद नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी जो हमारे पक्ष प्रमुख आदित्य जी ठाकरे, इनका आप विजन देखो। आजकल सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत एक्टिव हो चुकी है, सोशल मीडिया भी एक्टिव हो चुकी है, तो आप उस माध्यम से हर नेताओं को उसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं और उसमें आप आदित्य जी ठाकरे इनका भी आप हर चीज़ में कार्य देख सकते हैं। तो शिवसेना ये पक्ष का महाराष्ट्र के हित में मतलब कितना अच्छा जोर है और पक्ष शिवसेना पक्ष ही महाराष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, ये आप अच्छे से समझ लो। और युवा सेना के माध्यम से मैं सभी युवाओं को बोलूँगा कि आपको कभी भी पूर्व विदर्भ ये डिवीज़न में कोई भी प्रश्न पे अगर कोई चर्चा करना है तो आप हमारे नंबर ले सकते हो और आप हमें आपकी कभी भी कोई भी समस्या हमारे फोन माध्यम से आप हमको बता सकते हो। और यही कहना मेरा जनता के लिए भी रहेगा, युवा सेना आपके लिए कभी भी तत्पर है, 6 जिले में आपको कभी भी कोई भी रुकावट या कोई भी परेशानी है तो शिवसेना पक्ष युवा सेना के माध्यम से आपके पीछे हमेशा है। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षल जी। कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप युवाओं को रोजगार बढ़ाने के लिए या फिर युवाओं के जितने भी मसले हैं उनको हल करने के लिए कार्य करते हैं, उसके लिए शुभेच्छाएं। साथ ही जिस तरीके से आपको एक नया पदभार मिला है उसके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे आए और आपका समय दिया। और दर्शकों, ये थी हमारी खास मुलाकात हर्षल काकड़े जी के साथ। कहीं ना कहीं हमने जाना कि किस तरीके से युवाओं के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए या फिर उनसे संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए युवा सेना किस तरीके से तत्पर रहती है। तो फिलहाल हमारे इस बीसीएन की खास मुलाकात में इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज़। नमस्कार।